साहिल फ्रेडिस यूट्यूब चैनल लेके आए हैं अपना एक दूसरा चैनल जिसका नाम है साहिल चैनल लिस्ट। इसे आप सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि मिलती रहे हमारी हर एक अपडेट सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू एपी फ्रेडिस यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं डीडी फ्रेडिस 66 और 40 सीटर, जो यहाँ पे आपको होता है बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के साथ आपको दिख रहा है, जो हमें बहुत ही अच्छे, यानी कि यहाँ पर हमें यह सीट की ओर से बहुत से ऐसे कमेंट मिल रहे थे कि वहाँ पे वतन HD रात के वक्त में सिग्नल बहुत ही कम हो जाते थे। उसकी वजह से मुझे लगा कि आपके साथ एक और वतन HD की न्यू टिप के साथ हम आपको लाइव प्रूफ भी दिखाते चले, और साथ ही में यहाँ पर कुछ नया भी हो चुका है यह सीट की ओर से, तो वो भी हम आपको साथ बताते चले। तो इससे पहले हम थोड़ी सी आपको, मैं पहले तो डिस्क का मूवमेंट दिखा देता हूँ किस तरह से आपको डिस्क को सेटअप करना है, क्योंकि जो डिस्क का सेटअप होता है वो ही सबसे अहमत होता है, क्योंकि डीडी फ्रेडिस में आप आसानी से LMB की पोजीशन किसी भी प्रकार से रख सकते हैं, तो आपके सिग्नल आराम से 20-25% आ जाते हैं। उसके बाद आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं LMB को घुमा के या डिस्को घुमा के, लेकिन अब जब यहाँ से या कोई और सेटेलाइट करते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है। उससे पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देख लीजिए, हमारा यह सिर का सेट है और नीचे की ओर हमारे ये पूरा ये डीडी फ्रेडिस पे और से सेट किया हुआ है। तो डीडी फ्रेडिस और यह सेट आप देख सकते हैं किस तरह से इसका पोजीशन आता है। अगर मूवमेंट हम आपको दिखाते चले तो इसका मूवमेंट यहाँ आएगा, ठीक है। डीडी फ्रेडिस को यहाँ पे हम इसको घुमाएंगे तो इस प्रकार से आएगा, और डीडी फ्रेडिस का इसका मूवमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, LMB और इसकी LMB की पोजीशन देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी LMB की पोजीशन थोड़ी सी आपको ऊपरी हिस्से में हो जाती है। जब आप डीडी फ्रेडिस की LMB की पोजीशन देखें और यहाँ सिर की LMB की पोजीशन देखें तो इस प्रकार से इसका मूवमेंट को फर्क हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है डीडी फ्रेडिस की ओर से और यहाँ सिर की ओर से, तो इसी प्रकार से आपको LMB रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले हम आपको बताते चले, डीडी फ्रेडिस में LMB कम्प्लीटली सेट हो उसी प्रकार से आप देख लीजिए, हर किसी आपको LMB राइट साइड में रखने की होती है, तार अपना राइट साइड की ओर निकलेगा और जिस तरह से लेफ्ट साइड में निकलता है, ठीक है। तो मैं इस प्रकार से आपको समझाना चाहता हूँ, माइनस और प्लस की तरफ हम LMB की पोजीशन में जाते हैं तो वहाँ पर आप कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। इस प्रकार से मुझे लगा कि राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन आपको मैं दिखाता चलूँ बताता चलूँ तो आपको शायद कुछ अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो डिस्क का मूवमेंट इस प्रकार से और डीडी फ्रेडिस का मूवमेंट इस प्रकार से, लेकिन जब हम डिस्क का सेटअप करेंगे तो इस तरह से दिख रहा है, ये डीडी फ्रेडिस हो गया और यहाँ से इस प्रकार से पूरा सेटअप हो जाता है, और यह बीच सेंटर में आ जाता है हमारा ABS, ठीक है। ABS यहाँ पे डीडी फ्रेडिस और इस तरह से थोड़ा सा मूवमेंट होगा तो यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ सेट से बिल्कुल हल्का सा, यहाँ इतना सा, ठीक है। जब हम डिस्क को घुमाते हैं, मैं आपको उसका पूरा हमने सेटअप किया, उसकी हमने पूरी की पूरी लाइनें खींची हुई है, मैं आपको भी वो भी बताता दिखाता भी चलूँगा किस तरह से आपको उसका पूरा सेटअप देखना है, तभी आप डिस्को अच्छी तरह से सेटअप कर पाएंगे, वरना आपको भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। डिस सेटअप के पूरे सिग्नल क्वालिटी है और क्या क्या चैनल है वो सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता चलूँगा, दिखाता भी चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता चलूँ, डीडी फ्रेडिस इस तरह से हो जाएगा, ABS इस प्रकार से, यह सेट इस प्रकार से, और 40 हो जाएगा थोड़ा सा इस तरह से, यानी कि यह सेट से भी थोड़ा सा और लेफ्ट साइड में, माफ कीजिए, और राइट साइड में आपको घुमाना चाहता है, जहाँ पे आपको 26 बांध रखी और आपको घुमाते चलना है। हमारे वीडियो बहुत से पड़े हुए हैं 26 सीट के और डीडी फ्रेडिस वाले यहाँ से की ओर से भी, और कुछ हमारे चैनल नहीं हुए तो वो भी हम आपको कुछ नए अंदाज में अब आपको डिस्क सेटअप के पूरे वीडियो देते रहेंगे, ठीक है। तो आपने डिस्क का पूरा सेटअप देख लिया होगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ सेट है और ये हमारा डीडी फ्रेडिस। अब हम क्या करेंगे, हमने अपने चैनल पर नए मेहमान होते इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि अपने फ्रेंड भी नए चैनलिस्ट और नई जानकारी, जैसे कि IPL के बारे में जानकारी हो या कुछ मूवीज चैनल की, यानी और यहाँ की स्पोर्ट के बारे में, और कोई नई चैनल हो, नई सेटेलाइट हो, तो उसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ही आपको सारी न्यूज़, परफेक्ट न्यूज़ और सही वाली न्यूज़ हम आपके लिए बनाते रहते हैं, ठीक है। तो हम, मैं आपको पूरा डिस्क का अपना सेटअप दिखा देता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी करीब से। तो यहाँ पर मैं आपको पास में जाके दिखा देता हूँ,
ठीक है, तो ये पास में तो देख लीजिए हमारे राइट साइड की जो ये तार निकली हुई है ना एलम्बिक की पोजीशन, ये राइट साइड में हो जाती है। ठीक है, तो देख लीजिए दोनों में इसी प्रकार से राइट साइड में ही हमारी तार निकली होगी, वो थोड़ी सी हल्की सी आपको ऊपरी हिस्से में ये एलम्बिक की पोजीशन हो जाती है। बात कर लें यहाँ पर निशानों की, तो देख लीजिए मैं आपको हल्की सी पोजीशन वाले निशान दिखाते चलते हैं। तो इसी कुछ अच्छी तरह से यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा निशान है जो यासिट के, और उसके पास में यहाँ पर देख लीजिए जो हमें टी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये यासिट और इसके पास यहाँ पर टी है वो तुर्क सेट, और यासिट और तुर्क सेट के पास बिचले से में जो जगह रह जाती उसके भीतर भीतर आपको 40 स्टेप मिल जाएगा। ठीक है जी, इसके भीतर आप देख लीजिए हल्का सा आपको जगह होगी, वहाँ पे आप आसानी से 40 स्टेप को सेटअप कर सकते हैं। डिरफेस की बात करें तो डिरफेस आप देख लीजिए कितना सा बहुत ही घुमाव है, यहाँ से मैं आपको दिखाता चलूँ तो इस तरह से मैं आपको नहीं समझा पाऊँगा, बस अपने हिसाब से कुछ सलम लीजिए। और हम बात करें ऊपरी हिस्से में, तो देख लीजिए ऊपरी हिस्से में आपको जो हमारे डिरफेस में एलम्बिक की पोजिशन है वो हो जाती है 55-60 के बीच, और यहाँ सेट की बात करें तो 60-62 के भीतर ही यहाँ से आपको सेटअप मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से आप आसानी से हमारे चैनल पे बने रहें, हम इस प्रकार से आपको चैनल लिस्ट दिया करेंगे। और ये हमारी आज की हो गई पूरी डिस सेटअप की वीडियोस, और अगली वीडियो हमारी चैनल लिस्ट की और आएगी जो हमारे डिफ्रेंस है यहाँ सेट है और 40 लिस्ट की और भीतर है, और सारी न्यू अपडेट चैनल लिस्ट दिखाई जाएगी। और आप देख सकते हैं ये हमारी पाक सेट है, पाक सेट के साथ ही आप देख सकते हैं एलएमबी पोजीशन है जो हमें यह सेट को सेटअप किया हुआ है। ठीक है, तो अब यह सेट की ओर से आपको एटीएन पे भी आईपीएल देखने को मिल जाएगा, वतन एचडी पे अभी सिग्नल प्रॉब्लम आ रही, जो 40 इंच पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे आप आसानी से वतन एचडी को एंजॉय कर सकते हैं। धन्यवाद।